दोस्तों, पत्थर चट्टा एक जड़ी बूटी है जिसके साथ कई प्रकार के घरेलू उपाय जुड़े हुए हैं। पत्थर चट्टा को मिरेकल लीफ, एयर प्लांट, लीफ ऑफ लाइफ इन नामों से जाना जाता है, जबकि इस पौधे का वैज्ञानिक नाम ब्रायोफिलम पिनाटा है। पत्थर चट्टा का सेवन करने से सिर दर्द, अस्थमा और पथरी जैसी बीमारियों से राहत पाई जा सकती है। तो आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। दोस्तों, पत्थर चट्टा के अनेक फायदे हैं और इसका प्रयोग करने से फोड़ों की परेशानी से भी निजात मिलती है। फोड़े होने पर आप पत्थर चट्टा के पत्तों को तोड़कर इन्हें गर्म कर लें, फिर आप इन पत्तों को फोड़ों के ऊपर रख दें। ऐसा करने से आपके फोड़े को दर्द से राहत मिलेगी और आपके फोड़े सूखने लग जाएंगे। गुर्दे में पथरी की समस्या होने पर आप पत्थर चट्टा का सेवन कर सकते हैं। इस पौधे का काढ़ा पीने से पथरी की परेशानी से आपको निजात मिल जाएगी। आप पत्थर चट्टा के पूरे पौधे को लेकर उसे अच्छे से धो लें, फिर आप इस पौधे को एक बर्तन में पानी डाल दें। अगर आपके पास बड़ा बर्तन नहीं है तो आप इस पौधे को तोड़कर दो बर्तनों में डाल सकते हैं। आप बर्तन के अंदर पानी डालें और इस बर्तन को गैस पर रख दें। जब इस बर्तन का पानी आधा रह जाए तो आप गैस बंद करके इस पानी को छान लें। पत्थर चट्टा का काढ़ा बनाकर आपका तैयार हो जाएगा और आप इस काढ़े का सेवन दिन में दो बार करें। आप चाहें तो इस काढ़े के अंदर शहद भी मिला सकते हैं और कुछ दिनों तक ये काढ़ा पीने से पथरी की समस्या दूर हो जाएगी। सिर में दर्द होने की समस्या पर आप पत्थर चट्टा का प्रयोग करें। आप पत्थर चट्टा के पत्तों को लेकर उन्हें हल्का गर्म सरसों का तेल उन पर लगाएं और इस पत्ते को अपने माथे पर रख लें। पत्थर चट्टा के पत्ते को माथे पर रखने से ही सिर दर्द मिनटों में गायब हो जाएगा। चोट के घाव को ठीक करने में भी पत्थर चट्टा का प्रयोग किया जा सकता है। चोट लगने पर आप बस इस पौधे की पत्तियों को तोड़ लें और इन्हें अच्छे से पीस लें। इन्हें पीसने के बाद इन्हें घाव पर लगाएं। घाव पर से लेप कर लगाने से घाव सही हो जाएगा। दांतों के दर्द के लिए भी पत्थर चट्टा के पत्ते बेहद ही लाभकारी हैं। दांतों में दर्द होने पर आप पत्थर चट्टा के पत्तों को दांतों पर घिस लें। ऐसा करने से दांतों का दर्द एकदम सही हो जाएगा। दरअसल इसके पत्तों के अंदर एंटीवायरस और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि दर्द को दूर करने में कारगर साबित होते हैं। पत्थर चट्टा के फायदों में दोस्तों गर्भवती महिलाओं से भी जुड़े हुए हैं। इस पौधे के पत्तों का काढ़ा पीने से गर्भवती महिला का वजन नहीं बढ़ता और एक रिसर्च में ये बात साबित हो गई है कि जिन महिलाओं का वजन काफ़ी अधिक है वो महिलाएं इस पौधे के पत्तों को उबालकर इसका काढ़ा पी लें, उनका वजन कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या रहती है वो लोग रात को सोने से पहले पत्थर चट्टा के पौधे का काढ़ा बनाकर पिए। इस पौधे का काढ़ा बनाकर पीने से नींद ना आने की समस्या दूर हो जाएगी और आपको रात भर सुकून भरी नींद आएगी। दोस्तों, आयुर्वेद में पत्थर चट्टा के अनेक फायदे बताए गए हैं। इसका इस्तेमाल करने से बालों में चमक आ जाती है और बाल हमेशा काले बने रहते हैं। आप बस पत्थर चट्टा के पत्थों को लेकर इन्हें पानी में उबाल लें। पानी के ठंडा हो जाने के बाद आप इस पानी को नहाने के पानी में मिला लें। फिर आप इस पानी से अपने बालों को अच्छे से धोएं। आप चाहें तो बालों पर पत्थर चट्टा के पत्तों का रस भी लगा सकते हैं। कुछ हफ्तों तक पत्थर चट्टा के पत्तों का रस बालों पर लगाने से बाल काले हो जाएंगे और उनमें चमक भी आ जाएगी। तो दोस्तों, ये थे पत्थर चट्टा के अनेक अनमोल फायदे। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहें रेमेडी अपडेट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।